बलरामपुर जिले के कुसमी नगर पंचायत के कुसमी जसपुर रोड से जसपुर सीमा तक निमर्ष जवाहर गुप्ता ठेकेदार के द्वारा शासन से दी गई राशि लगभग 44 करोड़ 87 लाख की राशि से बन रहे सड़क निर्माण कार्य में नाली पुलिया एवं तटबंध कार्य कई अन्य पेटी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से गुणवत्ता विहीन तरीके से निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमे पुलिया नाली एवं तटबंध ढलाई के कार्य साइड में बिना वाइब्रेटर के कार्य करवाते हुए बिना तरावट किए बिना नाली में यू आकार का सरिया नहीं देते हुए एल आकार का सरिया देकर नाली पाइलिंथ में मात्र 2 सरिया देकर बिना मिस्त्री के लेबर के कूली के माध्यम से बेलचा कोड़ी से नाली का कार्य अत्यंत ही घटिया किस्म का निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य अधिकतर रात्रि के समय में विभाग के अधिकारी कर्मचारी की गैर मौजूदगी में ज्यादातर पुलिया नाली एवं तटबंध का कार्य किया जा रहा है। कोई भी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी साइट में निर्माण कार्य करते हुए मौजूद नहीं रहते हैं, जिसके चलते ठेकेदार द्वारा मनमानी ढंग से कार्य कराया जा रहा है। साथ ही नगर पंचायत क्षेत्र कुसमी में कई जगह पाइपलाइन को रात्रि के समय नींव खोदने से पाइपलाइन में होल हो गई है तथा पाइपलाइन टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, जिसके चलते पाइपलाइन में पीने का पानी सप्लाई करने पर नगरवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बलरामपुर कुसमी से राकेश भारती की रिपोर्ट। अच्छा, एक इनका काम चल रहा है यहाँ, संजय सिंह का टेंडर किनका है? जोहर गुप्ता का। तो जो पुलिया बन रहा है इसमें कितने एमएम का छड़ डाल रहे हैं आप? 8 का है। और जो नाली बना हुआ है? मेरा नहीं है सर। अच्छा, नाली भी 8 का ही है। जी, नाली किसका है? काम तो जोहर गुप्ता का ही है, मगर उसका कॉन्ट्रेक्टर दूसरा है। अच्छा, तो भैया इसमें रात में काम चलता है? भैया रात में काम करने का है क्या? नहीं, रात में काम नहीं होता है। नहीं, अक्सर रात में काम चल रहा है यहाँ, देख लीजिए। हम लोग कभी अभी आके हुआ है, कितना 5-6 दिन हुआ, हम लोग नाइट कभी करके नहीं। और नाली में भी जो नीचे का बेस है उसमें 2-2 छड़ डाला हुआ है तो सर वो अगला बताएगा, हम तो नहीं बता सकते। और इसमें जो आपका पुलिया का काम चल रहा है गुणवत्ताहीन है, देखिए पूरा कितने का सीमेंट कितने का मसाला बना रहे हैं आप? ये तो नहीं बता पाएंगे आप, नहीं बता पाएंगे कारीगर हैं, हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, प्लांट से पता चला? प्लांट से ही, मतलब उसमें भर करके आता है और डायरेक्ट डाल देते हैं। कितने का मसाला है आपको पता नहीं? नहीं, यहाँ विभाग का कोई संबंधित सब इंजीनियर आते हैं? अभी तो नहीं है, काम चल रहा है, आते तो हैं, तो अभी मौजूद तो नहीं है? नहीं, अभी नहीं है ना। कब कब आते हैं वो? आते हैं जिसे हम लोग रेडी करेंगे, उनको बोलेंगे कि आके सब चेक कर लीजिए। तो रात में जब आप ढालते हैं तो आते हैं क्या वो? रात में नहीं, हम लोग ढाल भी नहीं। रात में नाली का ढलाई आपके यहाँ चलता है, पुलिया का ढलाई चलता है? नहीं, मेरा नहीं चलता है। अब अभी मेरे को 5 दिन हुआ है आकर के, अभी 5वां दिन, एक ही दिन ढलाई किया हूँ, अभी तक किस्त लगा रहा हूँ। ऐसा सर जी, जो जसपुर रोड में काम चल रहा है कुसमी से जसपुर सीमा तक, इसमें सर नाली निर्माण का काम चल रहा है। इसमें सर नाली निर्माण के कार्य में तरावट भी नहीं हो रहा है, साथ ही यू आकार का छड़ न डाल करके एल आकार का छड़ डाला जा रहा है। 20 mm के जगह में गिट्टी न डाल करके बड़े बड़े गिट्टी कहीं कहीं पड़ रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छड़ तो है, एल आकार में डालने का ही प्रावधान है जी। अब रही सवाल, जैसे आपने पूछा है जो मतलब बड़ी गिट्टी डालने की बात, तो अभी तक निगाह में तो नहीं आया, अगर आपको इस टाइप का लग रहा होगा तो उसको विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्लस काम जो है हमारे सब इंजीनियर स्टाफ की निगरानी में काम जो है करवाने हेतु निर्देश दिया गया है, और हमारे सब इंजीनियर स्टाफ भी बराबर साइट में जो है दौरे में रहते हैं, और कहीं अगर कोई शिकायत होगी तो उसको भी दूर कर दिया जाए। सर हम लोग जब भी वहाँ गए साइट पे, तो एक तो रात में ज़्यादातर काम हो रहा है, दिन में आपके कोई भी कर्मचारी वहाँ उपस्थित नहीं थे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब हमारे स्टाफ सब इंजीनियर स्टाफ को पूरा निर्देश दिया गया है, हो सकता है कि जब आप उपस्थित रहें, जैसे गए रहे होंगे उस समय, हो सकता है उस समय नहीं भी रहे होंगे, लेकिन हमारे सब इंजीनियर स्टाफ जो है बराबर निगरानी में रखे रहते हैं। सर हम दो दो बार गए, नाइट में भी गए और डे में भी गए, दोनों बार आपके सब इंजीनियर या जो भी सुपरवाइजर है वहाँ नहीं मिले। तो हमारे स्टाफ को सब इंजीनियर के साथ बाकी टाइम कीपर एवं दूसरे जो स्टाफ हैं उनको भी मतलब ड्यूटी में लगा दिया गया है, और मेरे फिर हिसाब से रहते हैं। संभवता है कि आप फिर गए रहे होंगे उस समय नहीं मिले होंगे, ऐसे एक बार संभावना है, और बाकी अगर इस टाइप की बातें होंगी तो मैं खुद यह इस पर बात को ध्यान दूंगा। सर वहाँ जो पुलिया का काम चल रहा है उनके द्वारा जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, कोई संजय सिंह है, उनके द्वारा बताया गया, हमारे द्वारा पूछा गया कि इसमें रेशियो क्या पड़ रहा है, उनके द्वारा बोला गया कि रेशियो के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, ठेकेदार के द्वारा वहीं से अजाक्स में डाल करके भेजा जाता है, उसको हम लोग डालते हैं, जिसके चलते सर साइट पे काफ़ी घटिया किस्म का मटेरियल वहाँ हम लोग को देखने को मिला, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जैसे आपका जो आरोप है घटिया, इस फिर बात को मेरे को नहीं लगता है घटिया। जहाँ पे जैसे अजाक्स में भी मिक्सिंग हो रहा है, वहाँ पे हमारे स्टाफ जो है कि बराबर जो है ड्यूटी में रहते हैं। सर वहाँ जगह पे मटेरियल सही होना चाहिए, वो दिखता है जब सीमेंट और सीमेंट गिट्टी बालू जब अच्छे मिक्स हो तो स्वयं सर मसाला दिखता है, आप स्वयं जाके देख सकते हैं। नहीं तो हमारे स्टाफ जो है जैसे मान लिया जो कि दोनों जगह जहाँ पे पुलिया का निर्माण हो रहा है वहाँ भी, प्लस जहाँ से एजाक्स में मिक्सिंग हो रहा है वहाँ भी हमारे स्टाफ जो है उपस्थित रहते हैं। चलिए धन्यवाद सर। सरकार आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आहत प्रसाद गुप्ता के नाम से टेंडर है, कहाँ से कहाँ तक है भैया, कुसमी से कहाँ तक है? अभी तो आगे नहीं बताएंगे मगर वहाँ से चालू है बराबर। कुसमी से लगभग संभवतः मनोरा तक है और इसमें 8 mm का छड़ जो है सो डाला जा रहा है, साथ ही गुणवत्ता के साथ इसमें मटेरियल नहीं पड़ रहा है, वहीं से अजाक्स में डाल करके और सीमेंट गिट्टी को लाया जा रहा है, जिससे कि स्थल पर देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि 25 या 30 से लगभग पुलिया ढला रहा है। यहाँ कोई भी विभाग PWD विभाग का ना तो सब इंजीनियर है और न ही जिम्मेदार कोई उनके सुपरवाइज़र हैं। जिसके नाम से टेंडर दिया गया है वह स्वयं वो अपने से रात में भी यहाँ काम चल रहा है। इस प्रकार देख सकते हैं कि शासन के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, साथ ही बिना किसी विभागीय अधिकारी के मौजूदगी में यहाँ काम किया जा रहा है। यहाँ की जनता जो है वो चाह रही है, बलरामपुर कलेक्टर महोदय से निवेदन कर रही है, PWD अधिकारी महोदय से निवेदन कर रही है कि इस काम को गुणवत्ता विहीन जो हो रहा है इसे सही कराया जाए, साथ ही सही नहीं होने पर इनके काम को विभागीय जांच करा करके उचित कार्रवाई किया जाए। मैं राकेश कुमार भारती, न्यूज़ प्लस 21, बलरामपुर कुसमी, धन्यवाद।